8 अगस्त को देवेश कुमार अग्रवाल ने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि कोई कॉल आया और उसके बाद उसके खाते से रुपए निकल गए। इस पर हमारे साइबर सेल प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठित किया, श्री कन्हैया लाल सब इंस्पेक्टर और नवनीत कुमार सब इंस्पेक्टर के, जांच की तो पता चला कि ये फर्जी कॉल जिस नंबर से आया और जिस खाते में पैसे जमा हुए इसके आधार पर ये टीम दिल्ली गई। तो ये इस कॉल सेंटर का पता चला जो मोबाइल के रूप में काम करते हैं, 10 दिन जैसे बॉम्बे रुके लास्ट लोकेशन इनकी, फिर चंडीगढ़ 10 दिन लगा दिए, फिर ये अगली टिकट जो हमने खाते से पता किया तो अगली टिकट इनकी जो थी गोवा की थी कल की। तो इस पर टीम वहाँ पहुँच गई, एयरपोर्ट से इन 6 लोगों को जो फर्जी कॉल सेंटर के थे गिरफ्तार किया। इनके पास से 8 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 22 फर्जी खातों की डिटेल मिली है। ये लोग फ़ोन करके और फ़ोन करने के बाद उनसे डिटेल प्राप्त कर लेते थे और डिटेल प्राप्त करके और जरिए नेट पैसे अगले के खाते से बिना सहमति के विड्रॉ हो जाते। कौन व्यक्ति है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये लगभग दिल्ली और उसके आसपास के रहने वाले 6 लोग हैं। क्या इनके खिलाफ और कोई ऐसे भी मामले हैं? सभी इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ पूर्व में से ये फर्जी कॉल सेंटर चलाने का मुकदमा दर्ज है। बाकी ये लोग जो इसमें हाजी मोहला का रहने वाला है मोहम्मद रज्जा, ये इनका सरगना है और यही नए नए लोग भर्ती करता रहता है और उनसे ये कॉल करवाता है। किस तरह की वारदात को अंजाम देते थे, क्या कह सकते? ये वारदात जो है जैसे किसी को कॉल किया, कॉल करके और उससे थोड़ी बहुत डिटेल प्राप्त कर ली और जैसे ही किसी को लिंक भेज दिया, लिंक ने यदि एक्सेप्ट कर लिया तो उसके खाते से पैसे विड्रॉ हो जाते थे। अब क्या कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं? इन अभी पूछताछ चल रही है और इन्होंने काफ़ी सारी वारदातें, जैसे 3 वारदात मेरे थाने की सामने आई है और इसके अलावा अन्य वारदातों में भी इनका पता लगा है। इनके नाम सर? इनके नाम मोहम्मद रजा, प्रिंस चौहान, समीर, मोहम्मद आलम, मोहम्मद मौजीज और धीरज सोनी है।